अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम 10 मिनट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नुज़हत नूर। बात करेंगे जड़ावाला वाक़े की। जड़ावाला वाक़े की सबसे पहले तो हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और जिससे मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो बहुत मजरूह हुए हैं। जड़ावाला वाक़ात में 16 गिरजाघरों को आग लगाई गई। सुबह 8:15 पर 70 से 80 अफराद ने इत्तेजाज शुरू किया। कारोबारी मराकज बंद कराए गए। शहर और देहातों की मसाजिद में ऐलानात के बाद लोग जड़ावाला पहुंचे। क्रिश्चियन कॉलोनी में 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। चर्च और गिरजाघरों को आग लगाई गई है। मुश्तरी मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर के घर को भी आग लगाई, जबकि मुजाहिरीन ने ईसा नगरी में घरों और 3 गिरजाघरों में आग लगाई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। सिर्फ यही नहीं, गुज़श्ता रोज़ जलाओ घिराओ के दौरान मसीही खानदानों ने रात खेतों में गुजारी है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। दूसरी जानिब इश्तेआल अंगेजी, तोड़फोड़ और जलाओ घिराओ के इल्ज़ाम के तहत अब तक 5 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। 37 नामजद और 600 से जायद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 13 से जायद दफात शामिल हैं। 100 से जायद अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर क्या गिरफ्तारियां माजी की तरह नुमाइशी गिरफ्तारियां हैं? क्या इससे क्या साबित करना चाह रही है हुकूमत? माजी की तरह जो लोग फिर इस बात से रिहा हो गए, वक्त गुजरता गया और उन लोगों को रिहा कर दिया गया। इस दफा रियासत ने फैसला कुन कार्रवाई का फैसला कर लिया है, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस वाक्य के मुतालिक बात करते हुए कहा है कि आज जड़ावाला का वाक्या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबले बर्दाश्त है। अकलियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई ऐसे रवैये के वाक्यात की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजाहिब जिन्स ज़ात या अकीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून में हाथ देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसी नकवी ने इस बात पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि आज जुमे के दिन सुबह भर की मसाजिद में खुतबात में अकलियती हकूक पर तवज्जो दी जाए। इन मुश्किलात में इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि बैनुल मज़ाहिब हम आमंगी इस्लाम की बुनियादी तलीमात में शामिल। ये नॉर्मल वाकया नहीं है। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है, 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान है एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। इसके अलावा आज भी आज की रात शब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चर्च और मकान तो दोबारा भी बन जाएंगे, बच्चों के जहन से डर और खौफ कैसे ख़त्म किया जा सकेगा। सलीबें जलाई गई, कब्रिस्तान जलाए गए, पुलिस तमाशा देखती रही। वाकया जो हुआ है जहाँ पर जो है वो बस्तियां जलाई जाती हैं, लोगों के घरों को जलाया जाता है, गिरजाघरों को, अब हमें पता चला कि 21 गिरजाघरों को जो है वो जला दिया गया है। तो हम पाकिस्तान को किस डगर पे लेके जा रहे हैं? वो सफेद झंडा जिसमें जो है अकलियतों का सफेद निशान कहा जाता है वो तो दागदार हो रहा है। जब तक ये जो है जो लोग इस वाक्य में मुलव्वस है उनको जो है पाकिस्तानी अमला काउंसिल के चेयरमैन उलमा ताहिर अशरफी ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाक़े से मुतालिक माफ़ी मांगी है और इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। साथ ही कहा है कि जोसफ कलोनी के मुलजिमों को सजा होती तो आज ये वाक़या पेश ना आता। रियासत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा मशायख और मुस्लिम आवाम की तरफ से, जनाब बशीर साहब आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हम आपसे शर्मिंदा हैं, हम उन मसीही बच्चियों से शर्मिंदा हैं रात खेतों में जिन्होंने गुजारी। जोसफ कलोनी के मुजरिमों को अगर सजा दी गई होती तो आज मुमकिन है ये मामला ना होता। यानी एक तरफ निगरान हुकूमत इसे साजिश करार दे रही है, जबकि मजहबी अकाबरीन, सियासतदान, समाजी कारकुन ये दावा कर रहे हैं कि माजी में भी ऐसे वाकयात होते रहे। जब तक इस मुलजिमान को सजा ना दी जाएगी तो ऐसे वाकयात होते रहेंगे। ये बात भी दुरुस्त है कि दो केसेस ऐसे भी हैं जिनमें बाकायदा साजिश के तहत तौहीन-ए-रिसालत, कुरान की बेहुरमती का
झूठा इल्जाम लगाया गया और घरों के घर और इबादत गाहें जला दी गई। आज से तकरीबन 10 साल पहले मार्च 2013 में लाहौर में बदामी बाग के करीब वाकया मसीही बरादरी के जोसफ कलोनी के 174 घरों और 16 दुकानों और 2 गिरजाघरों को आग लगा दी गई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। बाद में तहकीकात के दौरान पुलिस की गफलत भी सामने आ जाती है, वाजे नजर आने लग जाती है। जबकि इब्तदाई तौर पर इल्ज़ाम लगाने वाले शाहिद इमरान का कहना था कि जोसफ कलोनी के रिहायशी मसीही ने झगड़े के दौरान तोहीन रिसालत की है। इस इल्ज़ाम के नतीजे में 2 दिन के अंदर जोसफ कलोनी को जला कर राख कर दिया गया। मसीही को 2014 में तोहीन रिसालत केस में सजाए मौत सुना दी गई और 7 साल बाद मसीही को 2022 में इस इल्ज़ाम में लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया और वो 7 साल की नाजायज सजा काट कर बरी हो गए। इनके खिलाफ केस साबित ही नहीं हुआ, लेकिन इस झूठे इल्जाम में जिन लोगों ने जोसफ कलोनी की मसीही बरादरी के घर जलाए थे, इबादत गाहें जलाई थी और जो लोग इसमें मुलव्वस थे, इन्हें कोई सजा नहीं हुई। रियासत को इस वजूहात पर गौर करना चाहिए कि क्यों ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं और इसमें क्यों मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ये क्यों इजाफा देखने में, क्योंकि पाकिस्तान में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। माजी को देखकर यही वजह सामने आती है कि रियासत इन वाकयात में मुलव्वस मुलजिमान को करार वाकई सजा देने में अब तक नाकाम हो चुकी है। प्रोग्राम 10 मिनट से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए प्रोग्राम 10 मिनट।